व्यवसाय एक्ट प्रमोशन की राजेश जी प्लीज प्रमोट किया जी। हमारी दिल्ली महिला प्रभारी मीरा पासवान जी, मीरा पासवान जी का मैं खुद स्वागत करूंगी। हमारी उत्तराखंड प्रभारी आरती शुक्ला जी, आपका समाज में बहुत योगदान रहता है और खासकर निर्धन और विधवा महिलाओं के लिए बहुत कार्यशील रहती है। जबकि आप पेशे से व्यवसायी हैं, लेकिन बहुत आदमी से ज्यादा दिल से बहुत मजबूत है, बहुत साहसी महिलाएं हैं। इनका नमन करता हूँ, इनके साथ में पुत्र है, उसको भी आशीर्वाद आपका सभी का आशीर्वाद देता हूँ। हमारी उत्तराखंड से पधारी आरती शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। आरती शुक्ला जी का सम्मान कर रहे हैं हमारी ज्योत्सना पटेल जी। प्लीज आप इधर ही आ जाओ, जाओ हमारे राष्ट्रीय महिला प्रभारी दीप्ति पांडे जी। ये हमें चाहिए, ये हमारा है, ये तो
बाकी लोगों के तो बाकी लोगों का तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो अपना ही बोलूँगी कि लोग एक लॉयर को नहीं समझते, हमें भी फेस करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है, अभी फेसबुक का केस हुआ था मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने पुलिस में एफ आई आर करी तो पुलिस वाले बोलते हैं मैडम आप ग्रुप के लिए छोड़ देते, आप पिक्चर चेंज कर लिया, मतलब मैं अपने आप बंद कर लूँ, लोग नहीं सुधरे, उन्हें नहीं सुधरना चाहिए, मैं आप बस करके बैठती हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है कि हम उन्हें सुधर गए, क्या ऐसा होता है? तो क्वेश्चन में आपसे ये है कि बर्दाश्त मत करो, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, खींच के लगा दो कान के नीचे, अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, सब कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए बनी है वो प्रोटेक्ट नहीं करती है, जो ऑफिसर्स बने हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। जब एक आम औरत, एक आम महिला पुलिस स्टेशन जाती है तो सबसे पहले अगर वो रेप से पीड़ित है या हरासमेंट से पीड़ित है, सबसे पहले उससे वो क्वेश्चन करे जाते हैं कि शर्म आती है पुलिस वालों के, कैसे बोल सकते हो आप ये सब कुछ, वो शर्म आनी चाहिए। अधिकार देने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 24 आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, और आगे पर भी और आगे पर भी कर लो, पर क्या वो सच में है? पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन तो छोड़ो, मेट्रो में ट्रेवल कर लो, कितनी बार ऐसी हरकत होती है, आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करो, ऐसे ऐसे टच करके कौन सा मजा आता है उसमें, क्या अच्छा लगता है वो समझ में नहीं आता, लेकिन वहां पे हमारी औरत को बर्दाश्त कर लेती है, वो कहीं ना कहीं तो लगता है यार मैं बोलूंगी तो लोग मेरे ऊपर बोलेंगे, उनके अंदर वो डर है, उन्हें डराया किसने है? हमारे समाज ने, हमारे समाज ने उन्हें इतना डरा के रखा है, जब एक बेटी घर में पैदा होती है सबसे पहले उसे ये सिखा जाता है बेटी तू हमारे यहाँ की बेटी है, हमारी टीचर है, वो टीचर मत को ना तेरा गला काट देंगे, सबसे पहले उसके अंदर वो डर बिठाया जाता है, ये हमारा समाज है। उसे कभी ये नहीं बोला जाता कि बेटी तेरे साथ कुछ गलत होता है तो आके अपने माँ बाप को बता के घर में बता, हम लोग तेरे लिए खड़े, ये नहीं बोला जाता। मैं तो एक चार्ज फैमिली एजुकेटेड हुआ एन एल एल एम बिजनेस लॉ आई एम लीगल एवर सिक्स कॉन्वर्जेंस आई एम लीगल एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट एन सी एस डी आई एम लीगल बट स्टिल आई स्टार्ट दिस फेस करती हूं। होता है जब एक लीगल वाले को, जब एक लॉयर को नहीं बख्शा जाता, आम लोग के साथ में क्या होता होगा? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, आज के टाइम में घर नहीं चल सकता अगर महिला ना कमाए तो,
अपनी आवाज दूसरे को सुनानी होती है। सुनो, ये हम है, ये मैं कह रही हूँ, ये मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। हिम्मत इतनी होनी चाहिए सामने वाला नहीं सुनता तो जड़ तो कान पे खींच के। पुलिस फोर्स सबको झुकाओ, अपने सामने झुकाने की जरूरत है। और उन अगर कोई महिला खड़ी होती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं उसके साथ सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड से लेकर